तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। आज जो है वो मैं क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का पेपर बताने जा रहा हूँ। ये पेपर जो है दोस्तों, ये प्रीबोर्ड का है सन 2018-19 का। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। जो है पहला क्वेश्चन आया था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा लेटराइट मिट्टी। दोस्तों इसमें जो है वो दूसरा क्वेश्चन आया था, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? पहला है वायु और जल, दूसरा सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, तीसरा है सैल और तापमान, चौथा है पानी का इकट्ठा होना। दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन आया था, भारत के सुस्ती वस्त्र की राजधानी है, जिसमें पहला है अहमदाबाद, दूसरा मुंबई, तीसरा इलाहाबाद, चौथा इंदौर। इसमें जो है चौथा क्वेश्चन आया था दोस्तों, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह पारदीप, हल्दिया, नहावर, सेवा और चौथा है कंडला। इसमें जो है 5th नंबर का क्वेश्चन आया था, भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव हुआ था, नंबर 1 दिसंबर 1984, नंबर 2 दिसंबर 1987, नंबर 3 दिसंबर 1988 और नंबर 4 दिसंबर 1990। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया हुआ है। और इसमें जो है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जिसमें पहला है दिल्ली की जनता ने को सम्राट घोषित किया था, दूसरा है 1857 ईस्वी की क्रांति में मध्य प्रदेश के नेता का नाम था, तीसरा है भारत की स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय थे, चौथा है 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद देश का निर्माण हुआ था, पांचवा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया हुआ है। अब जो है इसमें जो है वो तीसरा क्वेश्चन आया था, सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, तीसरा है ग्राम पंचायत का कार्यालय 7 वर्ष का होता है, चौथा है मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, पांचवा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान है। इसमें जो है दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन आया है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें जो 4th नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है मछली पालन, चौथा परिवहन एवं संचार और पांचवा है ISI चिन्ह है। इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया हुआ है। और ये है पांचवा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दी, जिसमें पहला हॉलमार्क के द्वारा किसको प्रमाणित किया जाता है, दूसरा सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया, तीसरा है विश्व में मुख्यतः कितने प्रकार की आर्थिक प्रणालियां पाई जाती हैं, चौथा है क्वार्टरल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, पांचवा स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। इसमें जो है दोस्तों 6वें नंबर क्वेश्चन है, भौमजल पाने के स्रोत क्या है? इसके अथवा में क्वेश्चन आया दोस्तों, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? 7वां है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? इसके अथवा में आया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख दो नेताओं के नाम बताइए। इसमें 8वां क्वेश्चन आया था दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है? इसके अथवा में आया था, जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है? 9वां है अधोसंरचना के प्रकार लिखिए, इसके अथवा में आया था, सेवा क्षेत्र क्या है लिखिए। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं? कोई दो लिखिए, इसके अथवा में आया था, कालाबाजारी किसे कहते हैं? दोस्तों इसमें जो है आप देख सकते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन, वनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखो, इसके अथवा में हरित क्रांति से आप क्या समझते हो? 12वां है दोस्तों, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए, इसके अथवा में जल संरक्षण के प्रमुख उपायों को लिखिए, कोई 3। इसमें 13वां आ जाए दोस्तों, किसी एक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, पहला है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है नाना साहेब। इसके अथवा में आए दोस्तों, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्र संग्राम क्यों कहा जाता है? 14वां है दोस्तों, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, कोई 3। इसके अथवा में दोस्तों, गर्म दल और गर्म दल के बीच क्या अंतर थे, नरम दल और गर्म दल के बीच क्या अंतर थे, 3 अंतर लिखिए। इसमें जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें 15वें नंबर क्वेश्चन आया था, प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है, कोई 4 लिखिए।
इसके अथवा में आया था दोस्तों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का वर्णन कीजिए। कोई 4 16वें नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। कोई 2 महत्व लिखिए। इसके अथवा में आया था भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। 17वां आपदा प्रबंधन से क्या आशय है। आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए। इसके अथवा में घर में आग के बचाव से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। 18वां है दोस्तों, झंडा सत्याग्रह को संक्षिप्त में लिखिए। इसके अथवा में आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को लिखिए दोस्तों। इसमें 19वें नंबर का क्वेश्चन आया था, ताशकंद समझौता क्या है, इसकी शर्तों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में भारत चीन युद्ध में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा चीन ने क्यों की थी, वर्णन कीजिए। इसमें 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। कोई 4 लिखिए। इसके अथवा में भारत संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोई 4। इसमें जो है दोस्तों, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके अथवा में समाजवादी अर्थव्यवस्था। कोई 4 गुण लिखिए। 22वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाई। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी, दूसरा नीलगिरी, तीसरा नर्मदा, चौथा काजीरंगा और 5वां कर्क रेखा। इसके अथवा में दोस्तों, निम्नलिखित मौसम दिशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाए बनाइए। नंबर 1 मंद समीर, दूसरा कुहासा, तीसरा ओला, चौथा एम और 5वां धुंध। दोस्तों इसमें जो है 30वां क्वेश्चन आया था, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, इसकी असफलता के 5 कारण दीजिए। इसके अथवा में आया था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का अर्थ क्या अर्थ है एवं यह कब शुरू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसके महत्व को लिखिए। 24वां दोस्तों, सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए। इसके अथवा में आया था, कश्मीर समस्या क्या है, विस्तार से समझाइए। 25वां, लोकसभा की किन 5 शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का वर्णन कीजिए। 26वां है, जनसंख्या वृद्धि रोकने के कोई 5 उपाय लिखिए। इसके अथवा में आता, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। कोई 5। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।